श्रवण में संस्कृति की भूमिका। मस्तिष्क की तरह हम जिस तरह संस्कृति में पलते बढ़ते हैं, वह हमारी श्रवण एवं सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करती है। ये एशियाई संस्कृति, जैसे कि भारत में जब बड़े या वरिष्ठ लोग संदेश देते हैं तो उसको शांत संप्रेषक की तरह ग्रहण किया जाता है। कुछ संस्कृतियों में ध्यान को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए, बौद्ध दर्शन में एक संप्रत्यय होता है जिसको मनोयोग कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो भी करें उसे पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित रखें। बाल्यावस्था में मनोयोग का प्रशिक्षण देने से ध्यान केंद्रित करने की योग्यता का विस्तार हो जाता है और इससे श्रवण की क्षमता बेहतर हो जाती है। व्यक्ति इससे सहानुभूति परक भौतिक श्रवण की योग्यता भी बढ़ती है। फिर भी अनेक संस्कृतियों में श्रवण कौशलों में बढ़ोतरी से जुड़े संप्रत्यय का अभाव। बॉक्स 9.3 में श्रवण कौशलों को सुधारने के संकेत। शरीर भाषा, क्या आप जानते हैं कि आप दूसरों से संवाद करते हैं तब आपके शब्द आपके संदेश का पूर्ण अर्थ संप्रेषित कर पाते हैं? अगर हाँ, उत्तर हाँ में, तब आप गलत हैं। हम सभी जानते हैं कि संप्रेषण का एक बड़ा भाग वाचिक भाषा का उपयोग किए बिना भी हो सकता है। हमें पता है कि अवाचिक क्रियाएं प्रतीकात्मक होती हैं और जब किसी भी बातचीत की क्रिया से गहराई से जुड़ी होती है, इन्हीं अवाचिक क्रियाओं के अंश को शरीर भाषा बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। शरीर भाषा में वे सारे संदेश शामिल होते हैं जो शब्दों के अलावा लोग बातचीत के दौरान उपयोग करते हैं। शरीर भाषा पढ़ते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी एक अवाचिक संकेत अपने आप में संपूर्ण अर्थ नहीं रखता। इसमें हाव भाव, भंगिमा, शरीर की बनावट, नेत्र संपर्क, शरीर की गति, पोशाक शैली जैसे कारक शामिल होते हैं और इसको एक गुच्छ क्लस्टर के रूप में समझना पड़ता है। साथ ही वाचिक संप्रेषण में अवाचिक संकेतों के अनेक अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सीने पर एक दूसरे पर रखी गई बाहों या भुजाओं का अर्थ होता है कि व्यक्ति स्वयं को अलग अलग रखना चाहता है, परंतु अलग सीधी मुद्रा में सीने पर, सॉरी, भुजाएं बंधी हो, शरीर की मांसपेशियां तनी हो, जबड़े की मांसपेशियों का जकड़न हो, आंखों की मांसपेशियों में संकुचन हो, तो यह संभवतः क्रोध का संप्रेषण होता है। संप्रेषण में अवाचिक व्यवहार का प्रेक्षण। श्रवण कौशलों को सुधारने के कुछ संकेत। प्रेषक संग्राहक दोनों संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, धैर्यवान श्रवणकर्ता, अहम कथन से बचें, सांवेगिक अनुक्रियाओं के प्रति सावधान रहें, ध्यान रखें कि आपका शरीर भंगिमा आपके श्रवण को प्रभावित करती है, विमनस्कता को नियंत्रित करें, अगर कोई संदेह हो तो पुनर्कथन पुनर्वाक्य विन्यास करें, जो कहा जा रहा है उसका मानस प्रत्यक्षीकरण करें। जब हम शरीर भाषा का विश्लेषण कर रहे हैं तब उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि और अतीत में हम उसके व्यवहार के स्वरूप को भी ध्यान में रखना चाहिए। संप्रेषण में वर्तमान व्यवहार और अतीत के व्यवहार के बीच एकरूपता तथा वाचिक एवं अवाचिक व्यवहार के बीच सुमेल को संगति कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। अगर आप अपने मित्र को कहते हैं कि आज तुम ठीक नहीं लग रहे, तब आपके कहने का आधार यह होता है कि उनका हाव भाव और रंग रूप जो आज दिखाई पड़ रहा है शायद वह अतीत के अनुभव से अलग है। दूसरे शब्दों में, कुछ बदल गया हो और आपको अंतर दिखाई पड़ रहा हो। अगर आपके पास अतीत का अनुभव नहीं होता तो आपको शायद परिवर्तन नहीं महसूस होता। याद करें कि किसी बातचीत को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के लिए हम किसी हद तक शरीर भाषा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, हम हाथ हिलाकर रेस्तरां में वेटर या मित्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि बातचीत में हमारी भाषा बगैर हमारे सचेतन बोध के अभिव्यक्ति होती रहती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौशल। अगला कौशल सक्षमताओं समुच्चय, जिसकी मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है, का संबंध मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार से है। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक मापन, मूल्यांकन तथा व्यक्तियों के समूहों, संगठनों और तथा समुदाय की समस्या का समाधान के कौशल आते हैं। मनोवैज्ञानिक सदैव से 19वीं सदी में गाल्टन के समय से व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में अभिरुचि रखते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाए गए जिनका उपयोग प्रमुखता सामान्य बुद्धि, व्यक्तित्व, विभेदक अभिक्षमताओं, शैक्षिक उपलब्धियों, व्यावसायिक उपयुक्तता या अभिरुचियों, सामाजिक अभिवृत्तियों तथा विभिन्न अबौद्धिक विशेषताओं के विश्लेषण एवं निर्धारण से किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग व्यक्तियों की विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए अलावा समूहों के मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए भी किया जाता है। मनोवैज्ञानिक इन परीक्षणों का उपयोग व्यवसाय, आयु, लिंग, शिक्षा, संस्कृति आदि जैसे कारकों के आधार पर उत्पन्न अंतरों के अध्ययन में करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी,
वैज्ञानिक उन्मुखता, साइंटिफिक ओरिएंटेशन तथा मानकीकृत व्याख्या स्टैंडर्डाइज इंटरप्रिटेशन के प्रति सजगता रखना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए उद्योगों और व्यवसाय में संगठनात्मक एवं कार्मिक कर्मचारी कार्यों में जहाँ विशिष्ट पदों के लिए विशेषीकृत परीक्षण द्वारा चयन का कार्य करना है, यह आवश्यक है कि परीक्षण की वैधता स्थापित करने के लिए वास्तविक निष्पादन अभिलेख या निर्धारण को मानदंड के रूप में लिया जाए। मान लीजिए कि किसी संगठन का कार्मिक विभाग यह जानना चाहता है कि कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण संभावित रूप से सर्वश्रेष्ठ स्टेनोग्राफर की पहचान करने में मदद कर पाएगा या नहीं। इसके लिए जरूरी है कि परीक्षण स्टेनोग्राफर के विभिन्न निष्पादन स्तरों के बीच अंतर कर पाए। साथ ही यह भी पता लगाना चाहिए कि हाल में नियुक्त किए गए कर्मचारी जिसका परीक्षण के आधार पर चयन किया गया का निष्पादन परीक्षण प्राप्तांक के साथ मेल करता है कि नहीं। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के मूल तत्वों का विवरण दिया गया बॉक्स में। साक्षात्कार कौशल, एक साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप या जिसमें प्रश्न उत्तर प्रारूप या फॉर्मेट का अनुसरण किया जाता है। साक्षात्कार अन्य प्रकार के वार्तालापों की तुलना में अधिक औपचारिक होता है क्योंकि इसका एक निर्धारित उद्देश्य होता है तथा उसकी संरचना केंद्रित होती है। अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, उनमें से एक रोजगार साक्षात्कार है जिसका उपयोग आप में ही अधिकांश लोग करेंगे। अन्य प्रारूपों में सूचना संग्रह संबंधी साक्षात्कार, परामर्शी साक्षात्कार, पूछताछ संबंधी साक्षात्कार, रेडियो टेलीविजन के साक्षात्कार तथा क्रोध साक्षात्कार आते हैं। साक्षात्कार प्रारूप, एक बार साक्षात्कार के उद्देश्य स्थापित हो जाने पर साक्षात्कारकर्ता का प्रारूप तैयार किया जाता है। इसका आधारभूत प्रारूप साक्षात्कार का उद्देश्य चाहे हो जो हो तीन अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। प्रारंभ, मुख्य भाग, समापन संज्ञा दी जा सकती है। हम तीनों अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन करेंगे। साक्षात्कार का प्रारंभ, साक्षात्कार के प्रारंभ में दो संप्रेषकों के बीच सौहार्द स्थापित करना शामिल होता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि साक्षात्कार देने वाला आराम की स्थिति में आ जाए। संवाददाता साक्षात्कारकर्ता बातचीत की शुरुआत करता है और प्रारंभिक समय से ज़्यादा बात करता है। इससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं, इससे साक्षात्कार का उद्देश्य स्थापित होता है तथा साक्षात्कार देने वाले की को स्थिति एवं प्रश्न पूछने वाले के प्रति सजग होने का समय मिल जाता है। साक्षात्कार का मुख्य भाग, साक्षात्कार का मुख्य भाग इस प्रक्रिया का केंद्र है। इस अवस्था में साक्षात्कारकर्ता सूचना या प्रदत्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछने का प्रयास करता है जिसके लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कौशलों के मूल तत्व, निर्णय लेने के लिए प्रदत्त संग्रह करते समय प्रणालीबद्ध उपागम के उपयोग की योग्यता, मूल्यांकन विधियों के आधार से जुड़े मनोमिथक मुद्दों का ज्ञान, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रदत्तों को समाकलित करने से संबंधित मुद्दों की जानकारी, नैदानिक उद्देश्यों के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रदत्तों को समाकलित करने की योग्यता, कौशलों को बढ़ाने एवं अवल में लाने के लिए पर्यवेक्षण के प्रभावी उपयोग। परीक्षण में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। परीक्षण का उद्देश्य जनसंख्या विशेषताएँ, परीक्षण की वैधताओं के प्रकार अर्थात वैधता के बाह्य मानदंड, विश्वसनीय सूचनांक, प्रतिदस मानकीकरण, परीक्षण संचालन के लिए निर्धारित समय, अंक देने की पद्धति, मापक मानक कौन से उपलब्ध हैं, अन्य विशिष्ट कारकों के प्रभाव जैसे दबाव स्थितियों, दूसरों की उपस्थिति का प्रभाव, परीक्षण की सीमाएं अर्थात किसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। प्रश्नों का अनुक्रम, एक साक्षात्कार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों की एक सूची तैयार करता है जिसको प्रश्न अनुसूची शेड्यूल भी कहा जाता है। इस अनुसूची में विभिन्न क्षेत्रों या श्रेणियों में जो वह जानना चाहता है प्रश्न होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता उन क्षेत्रों या श्रेणियों को निर्धारित करे जिनके बारे में उसे प्रश्न पूछना है। उदाहरण, बॉक्स 9.5 में दिए गए प्रश्नों का नौकरी के साक्षात्कार के लिए किया गया। इसमें साक्षात्कारकर्ता ने अनेक श्रेणियों का चयन किया। पिछले संगठन में किए गए काम का स्वरूप, पिछली नौकरी से संतुष्टि, उत्पादों पर विचार, दृष्टिकोण आदि। इन श्रेणियों से जुड़े प्रश्नों को निर्मित किया गया तथा उनको सरलता से कठिनता के अनुक्रम में व्यवस्थित कर लिया गया। प्रश्नों का उपयोग तथा तथ्यों की जानकारी का मूल्यांकन करने के अलावा व्यक्तिपरक मूल्यांकन के लिए भी किया जा सकता है। साक्षात्कार का समापन, साक्षात्कार का समापन करते समय साक्षात्कारकर्ता ने जो संग्रह किया उसका सारांश बताना चाहिए। साक्षात्कार का अंत आगे लिए जाने वाले कदम पर चर्चा के साथ होना चाहिए। जब साक्षात्कार समाप्त हो रहा है तब साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले को भी प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए या टिप्पणी करने का मौका देना चाहिए। परामर्श कौशल,
एक मनोवैज्ञानिक ने अपने मनोवैज्ञानिक रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक है कि परामर्श एवं निर्देशन के क्षेत्र में भी सक्षमता हो। इन सक्षमताओं को विकसित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण कुशल पर्यवेक्षण में दिया जाना चाहिए। गलत व्यवसाय में जाने का परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम में चला जाता है जिसके लिए उसके पास अपेक्षित अभिक्षमता एप्टीट्यूड का अभाव है, तब उसके सामने समायोजन की या निषेधात्मक संवेगों की गंभीर समस्या विकसित हो सकती है। वह हीनता मनोग्रंथि से ग्रसित हो सकता है। इन कठिनाइयों को वह दूसरे माध्यम से प्रक्षेपित कर सकता है। इसके विपरीत, अगर कोई ऐसा व्यवसाय चुनता है जिसके लिए उसमें पर्याप्त अनुकूलनशीलता है, तब उसको अपने काम में संतुष्टि होगी। इससे उत्पन्न सकारात्मक भावनाएं उसके समग्र जीवन समायोजन पर अच्छा प्रभाव डालेंगी। परामर्श भी एक ऐसे ही क्षेत्र है जहां एक व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें वह अपनी अनुकूलता और अपने आधारभूत कौशलों का मूल्यांकन करके देख सके कि वह इन व्यवसाय के लिए प्रभावी है या नहीं। साक्षात्कार प्रश्नों के प्रकार: प्रत्यक्ष प्रश्न, मुक्तोत्तर प्रश्न, अवमुक्तोत्तर प्रश्न, द्विध्रुवी प्रश्न, संकेतक प्रश्न, दर्पण प्रश्न। साक्षात्कार प्रश्नों को उत्तर देना: अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो स्पष्टीकरण के लिए पूछिए। अपने उत्तर में प्रश्न का पूर्व कथन करिए। एक समय में एक ही प्रश्न का उत्तर दें। नकारात्मक प्रश्नों को सकारात्मक में बदल दें। परामर्श का अर्थ एवं स्वरूप: साक्षात्कार की योजना सेवार्थी एवं परामर्शदाता के व्यवहार का विश्लेषण तथा सेवार्थी के ऊपर पड़ने वाले विकासात्मक प्रभाव के निर्धारण के लिए परामर्श एक प्रणाली प्रस्तुत करता है। इस भाग में हम परामर्श से जुड़े संप्रत्ययों, विधियों एवं कौशलों का विवेचन करेंगे, जिसका उद्देश्य है कि कुछ मूर्त योग्यताओं का विकास किया जा सके। एक परामर्शदाता इस बात में रुचि रखता है कि वह सेवार्थी की समस्याओं को उसके दृष्टिकोण और भावनाओं को ध्यान में रखकर समझ सके। इस समस्या से जुड़े वास्तविक तथ्य, वस्तुनिष्ठ तथ्य कम महत्वपूर्ण है, और यह अधिक महत्वपूर्ण होता है कि सेवार्थी द्वारा स्वीकार की गई भावनाएं कैसी हैं, उनको लेकर काम किया जाए। इसमें व्यक्ति तथा वह समस्या को किस प्रकार प्रभाषित करते हैं, इसको ध्यान में रखा जाता है। परामर्श में सहायतापरक संबंध होता है, जिसे सम्मिलित होता है वह जो मदद चाह रहा है, जो मदद दे रहा है या देने का इच्छुक है, जो मदद देने में सक्षम हो या प्रशिक्षित हो, उस स्थिति में जहाँ मदद लेना या देना सहज हो। चित्र 9.2 देखें। परामर्श के निम्नलिखित तत्व उसके सभी प्रमुख सैद्धांतिक उपागमों में समान होते हैं। परामर्श में सेवार्थी के विचारों, भावनाओं एवं क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया करना सम्मिलित होता है। परामर्श में सेवार्थी के प्रत्यक्ष एवं भावनाओं की आधारभूत स्वीकृति होती है, बिना किसी मूल्यांकन मानकों के। गोपनीयता एवं निष्ठा परामर्श स्थिति के अत्यावश्यक संगठक हैं। वे भौतिक स्थितियों जो उसकी गुणवत्ता का संरक्षण करती है महत्वपूर्ण है। परामर्श स्वैच्छिक होता है या तभी होता है जब कोई सेवार्थी किसी परामर्शदाता के पास जाता है और परामर्शदाता सूचना प्रदान करने के लिए भी बल का प्रयोग नहीं करते। परामर्शदाता तथा सेवार्थी दोनों इस प्रक्रिया में वाचिक तथा अवाचिक संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। इसी कारण किसी परामर्शदाता की प्रभाविता के लिए संदेशों के प्रति अभिज्ञता, जानकारी और संवेदनशीलता अनिवार्य घटक है। परामर्श के मिथकों का खंडन: परामर्श का तात्पर्य केवल सूचना देना नहीं होता, परामर्श केवल सलाह देना नहीं होता, किसी नौकरी या पाठ्यक्रम में चयन या स्थानन परामर्श देना नहीं होता। परामर्श और साक्षात्कार समान नहीं है। यद्यपि परामर्श में साक्षात्कार प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है, परामर्श के अंतर्गत अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहारों को अनिर्णय करके, भर्त्सना करके, धमकी देकर या विवश करके प्रभावित करना नहीं आता है। चित्र 9.2, परामर्श प्रक्रिया के आवश्यक तत्व। परामर्श: जो मदद चाह रहा है, जो मदद देने के इच्छुक हो, जो मदद देने में सक्षम या प्रशिक्षित हो, एक ऐसी स्थिति जिसमें मदद लेने देने की अनुमति हो।